और इंटरनल असाइनमेंट भी आ गए हैं बच्चों के। छब्बीस वाले के बुक्स ये है आपका स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्ट्रॉन्ग पर दोनों इस क्वेश्चन में दोनों आपके सब सीख गए तो आपको आई है ये पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह आप लिख लेते हो। ये है स्टॉक अकाउंट ब्रांच स्टॉक, ये है डेटर अकाउंट और ये है ब्रांच एडजस्टमेंट। क्योंकि अलग से इसमें डिमांड किया है कि भैया आपको तो पीएम अकाउंट भी बनाना पड़ेगा तो आपको इतना रखना पड़ेगा ये और आप अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसको मिक्स नहीं करना, ठीक है ना। ये ध्यान नहीं वो बना दिया, मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसे चलना होगा। जब ऐसे ना एग्जामिनर बोलता है इस तरीके से करो, वैसे इन में करने में कोई बुराई नहीं लगता मुझे, लेकिन फिर भी कर लेते हैं ऐसे। इसको बना देते हैं ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ऊपर चलिए सर, सबसे पहले स्टॉक दे रखा है आपको, डेट है, ओपनिंग स्टॉक है, तो स्टॉक कितने का है 40,000। इसके बाद फिर आपका है डेटर, दैट इज ओपनिंग और क्लोजिंग। डेटर अकाउंट का टू बैलेंस वीडियो बता दो, 12,000 और बाय बैलेंस, ठीक है। इसके बाद दे रखा है पेटी कैश का अकाउंट, बोला नहीं है बनाने को, लेकिन हम पेटी कैश को यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। ओपनिंग कितना है पेटी कैश 150, माइनस कर देते हैं क्लोजिंग 250, आगे देखेंगे जो आएगा कंज्यूम निकालेंगे। ट्रांजेक्शन रिव्यू करिए, गुड सेंट टू एटो एचओ 336, तो गुड सेंट कॉस्ट टू एचओ, तो अब हमें इसे आईपी पे बनाना पड़ेगा और क्वेश्चन कहता है 20% ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट पे 25% होगा। प्लस कर देंगे तो 400। अगर यही लिखा होता आपका कॉस्ट टू ब्रांच तो फिर नहीं होता, समझे ना। ये एग्जामिनर परेशान करता है कई बार, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, तो बाय रिटर्न कितने रुपए का रिटर्न है 15। इसके बाद आगे आ जाओ तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, बाय कैश सेल्स अमाउंट क्या है कैश सेल्स 180 और बाय क्रेडिट सेल्स कितने अमाउंट है 1,00,000। कैश 1,500,000, 1,05,000 और ये है 1,00,000, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। आगे देखते हैं नॉर्मल लॉस आईपी पे 350, तो बाय में आता है नॉर्मल लॉस 350। गुड्स प्रीफर्ड के बारे में, गुड्स प्रीफर्ड कितने हैं 3,000, ये नॉर्मल लॉस होता है। गुड्स लॉस बाय फायर, ये अब्नॉर्मल मानेंगे। इंश्योरेंस कंपनी पेड टू हेड ऑफिस, भैया ये नजर आ जाएगा बाय इंश्योरेंस 3,000। कैश सेंट फॉर कैटी, तो ये ऐड हो जाएगा कैश सेंट 32,000, ठीक है। तो 150 माइनस 250 प्लस 32,000 31,000
आप चाहे अकाउंट बना लीजिए, मैंने अकाउंट नहीं बनाया, सिंपल था। बैड डेट्स डेली ब्रांच टू बैड डेट्स, बैड डेट्स कितने का है 400, और यहां क्या आ जाएगा बाय बैड डेट्स 400। बैड डेट्स का ग्रुप ट्रांसफर टू आगरा ब्रांच अंडर इंस्पेक्शन, तो हमने ट्रांसफर किया, हम कौन से ब्रांच है दिल्ली, ट्रांसफर क्या है तो बाय आ जाएगा, ट्रांसफर कितने हैं 12, ठीक है। इसके बाद में रखा है इंश्योरेंस चार्ज पेड, ये जब क्लेम इधर मिला है तो इंश्योरेंस इधर आ जाएगा, कितने हैं 200। गुड्स रिटर्न बाय डेटर, तो सेल्स रिटर्न यहां भी आ जाएगा, कितने रुपए हैं 500, और एक सेल्स रिटर्न इधर भी आ जाएगा, और एक क्रेडिट सेल्स इधर आ जाएगा। हालांकि डेटर अकाउंट से हम कुछ निकाल के कर भी नहीं सकते हैं, ये क्या हमारा कैश तो यूजेबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने डिमांड किया है तो हमें बनाना है ना। चलो बस इसके बाद तो आपका सॉल्यूशन था, सिंपल सिंपल निकाल लेते हैं, यहां से निकल जाएगा इसकी भी 40,000 140, 150 देखो सीधी, एक 140, 150, ठीक है। नाउ डेटर अकाउंट को यूज करना है, 192, 192 कैश कलेक्शन अवेलेबल कस्टडी हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टॉक रिजर्व। सर किस पे है स्टॉक रिजर्व भी है? ये है हमारा पहले तो ओपनिंग पे, कितने परसेंट है सेल्स पे 20%, तो 8,000 आ गए ना, इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक, फिर टू ओपनिंग के बाद गुड सेंड कर देते, नहीं ये गलत लिख रहा, ओपनिंग इधर जाएगा, ओपनिंग तो इधर जाएगा, ये क्लोजिंग आएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय स्टॉक रिजर्व द ओपनिंग स्टॉक दैट इज 8,000, और बाय स्टॉक रिजर्व, और ये गुड सेंड पता ही है तो 84,000, और बाय स्टॉक रिजर्व, और किसी पे आएगा तो और किसी पर नहीं आएगा, सेल्स रिटर्न पे नहीं निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है 141,150 का 20%, 28,230 कितना आएगा 28,230, फिर स्टॉक रिजर्व यहाँ पे रिटर्न पे आ जाएगा, रिटर्न 15,000 पे 20% बैठ उसकी निशान, टू स्टॉक रिजर्व ये प्रीफर्ड पे आ जाएगा, प्रीफर्ड है 3,000 पे 20% बैठ 600, और बाकी यहाँ आ जाएगा है ना, टू गुड्स प्रीफर्ड यानी 2,400। इसके बाद टू स्टॉक रिजर्व लॉस पे आ जाएगा बाय 5,000 का 20% दैट इज 800, और बाकी आ जाएगा लॉस बाय 5 यहाँ पे कितने 3,200, और टू आपका आ जाएगा नॉर्मल लॉस पूरा आ जाएगा दैट इज 300, और तो कुछ नहीं बचा मेरे हिसाब से। चलिए
11590 20। भैया आपको मुझे 3000 लिखा है ना, अभी 5 6 6 को आपको जो टोल चलता था 2400 क्या यदि वो दिल्ली दिल्ली ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। अच्छा ये ट्रांसफर वाला तो नहीं है, ट्रांसफर है स्टॉक वाले में 2400 ही लिखा है। नहीं वो कुछ कई बार बुक वाले आंसर दे देते हैं ना, तो कंबाइन उस तरह के जो हमारा आंसर सेम है, ट्रांसफर है 12000 का और 20% कितना है 2400, तो इसमें से और 2400 माइनस कर देंगे तो 5600 हो गया। हाँ जी वो जी 5620 बाय जीपी 5620 यहाँ तक तो हम पहले ही सीख चुके हैं, अब हमें सीखना है सर स्टॉक रिजर्व कैसे बनाया था। तो इसके अंदर बोला गया है क्या बनाने को आपको, स्टॉक रिजर्व। तो सबसे पहले स्टॉक रिजर्व बनाने के लिए हमेशा हम सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर का रिजर्व का मतलब स्टॉक रिजर्व से क्या क्लियर हो रहा है सर, स्टॉक रिजर्व से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो हम लोडिंग वाला निकालते हैं वही होता है स्टॉक रिजर्व। अब स्टॉक रिजर्व जब बनाना है तो हमेशा याद रखिए सिर्फ क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का निकालना है। तो ओपनिंग स्टॉक कहां लिखा जाता है स्टॉक में, टू, तो हम बाय लिख देंगे बाय बैलेंस बी, ये आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व, और यहां आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, यहां आ जाएगा क्लोजिंग का रिजर्व, सिर्फ रिजर्व है ठीक है। ओपनिंग का रिजर्व कितना था हमारा 8000, इधर लिख देंगे 8000, और क्लोजिंग का रिजर्व का कितना था 28 30। ये पहले ये समझो लिख लिया ये, और रिजर्व हमेशा लाइबिलिटी होता है इसलिए बैलेंस बी डी इधर से शुरू हुआ और सी डी ठीक है। अब इसके बाद हमने इसकी एंट्री करी थी कहां, ब्रांच एडजस्टमेंट में। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में आप एंट्री देखोगे तो यहां पे हम लिख रहे हैं स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग टू में, तो स्टॉक रिजर्व चला जाएगा बाय में, और यहां पे बाय साइड में आ जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच एडजस्टमेंट कितना 28230। और इधर देखोगे तो ओपनिंग स्टॉक का हमने बाय में लिखा था तो टू में आ जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच एडजस्टमेंट कितने 8000। दोनों साइड अल्टीमेटली मैच हो जाएगा, यहां से कभी बैलेंस बीडी सी नहीं निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे बनाना है आपको ये ओनली क्लोजिंग स्टॉक पे इसका ट्रीटमेंट करना है ठीक है। कितने 36230, तो बड़ा सिंपल था ये भी 36230। क्या है सर इसको बनाने के लिए, एक तो आपको ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व इस्तेमाल करना है और दूसरा नंबर क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व इस्तेमाल करना है बस। सर गुड सेंट बनाने के लिए एक तो गुड सेंट का इस्तेमाल करना है और दूसरा नंबर इसके ऊपर लोडिंग इस्तेमाल करना है, यानी स्टॉक रिजर्व इस पे, स्टॉक रिजर्व और गुड सेंट। नंबर तीसरा आपको इस्तेमाल करना है अगर कोई रिटर्न किया है हमने किसको, टू एच ओ को ठीक है, अगर हेड ऑफिस को कोई रिटर्न किया है तो वो लिखना है। नंबर चार अगर कोई गुड्स हमने ट्रांसफर किया है तो वो लिखना। तो सबसे पहले गुड्स सेंड देखो तो टू में आया था हमारे स्टॉक में, तो यहां पे बाय में आ जाएगा बाय, वहां पे गुड्स सेंड है तो यहां आ जाएगा स्टॉक अकाउंट कितना था हमारा 4020, तो 4020 लिख देंगे हमने। और इसका रिजर्व इधर उतार देंगे, टू स्टॉक रिजर्व गुड सेंड कितना था 84000। इसके बाद जो रिटर्न किया था वो इधर आ गया था हमारा, क्या रिटर्न किया था, गुड्स रिटर्न किया था तो इधर आ जाएगा 15000, इसका लोडिंग इधर निकाल देंगे स्टॉक रिजर्व रिटर्न पे जो कि आ गया था हमारा 3000। और एक ट्रांसफर किया था वो भी इधर था, गुड्स ट्रांसफर कितने थे 12000 और बाय स्टॉक रिजर्व आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा 2400।
ट्रांसफर वाला, ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन में बोला नहीं है, मैं करके पास इतनी चीजें लिखनी है यहाँ पे, और कोई प्रीफर्ड हुआ ये हुआ उन सभी का कोई काम नहीं करना। मेजरली आपका अगर ग्रुप रिटर्न हेड ऑफिस को हुआ है तो वो वाली एंट्री कर देना है, और अगर आपने किसी को ट्रांसफर किया है तो वो कर देना। टोटल करके बैलेंस ये निकाल देना, 4,25,400 इधर लिखोगे टू बैलेंस सीडी यानी -84,000 -15,000 ये आ गया 3,14 जो कि बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होने वाला गुड्स ये है, जो खरीदा है इसके आगे परचेज भी ले सकते हैं। जो परचेज हमने किए हैं वो 3,14,400 परचेज किए हैं, तो ये दोनों हो गए। ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखो गुड्स एंड मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी गिवन है और 26 बोल रहे थे 26 में भी गिवन है।